भावना से आप विचार और प्रयत्न करेंगे, गॉड विल बी विथ यू, नेचर विल बी विथ यू, एंड ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज दैट यू नीड फॉर ऑल प्रोग्रेस इन लाइफ विल बी विथ यू. भगवान आपके साथ है, कुदरत आपके साथ रहेगी, और सभी प्रकार की शक्तियां जो कुदरत में है, रिसोर्सेस हैं, वो भी आपके साथ रहेंगे. ये कुदरत का एक क्रम है, पृथ्वी का एक सिद्धांत है, और कहीं बड़े मनुष्यों ने इसका अनुभव किया है. तो इस प्रकार के विचार रखने हैं. आप नौकरी धंधा व्यवसाय करते हो, देश प्रदेश में करते होंगे, आपके साथ कहीं लोग काम करते होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं लोग कर्मचारी के रूप में काम करते होंगे, आपके व्यवसाय पे भी आपकी नीतिमत्ता पवित्र रहनी चाहिए. क्योंकि वहां भी अगर आपने अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तो आपके जीवन में प्रश्न आ सकते हैं. विचार की पवित्रता तो चाहिए. पायस थॉट्स कैन इंस्पायर पायस एक्शंस. आपकी क्रिया में पवित्रता आएगी. आपने अगर जो पैसा आपका नहीं है, जो जमीन या अगर कोई ऐसी बात आपकी नहीं है, उसके लिए आपने भावना रखी ये मैं ले लूं, ये मैं अपनी कर लूं, शायद हो भी सकता है, लेकिन वो आपको सुख नहीं देगा, आपको शांति नहीं देगा, और जब जाएगा तो उससे भी बड़ा हिस्सा लेके जाएगा. ये एक हकीकत है, ये एक सिद्धांत है. बिकॉज द वर्ल्ड इज राउंड, इट हैज नो कॉर्नर्स, सो इट डज नॉट हैव एनी प्लेस टू कीप योर रॉन्ग्स. सही बात है ना? तो ये एक हकीकत बात है. तो निष्ठा से, प्रामाणिकता से, एथिकल वैल्यूज से आप काम करना. जिम कॉलिंस पृथ्वी पे सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं. 40 साल से कॉरपोरेट में ट्रेनिंग देते आए, और शायद अभी पृथ्वी पे मैनेजमेंट की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे अच्छे वक्ता है. आप कभी उनको यूट्यूब पे सुन सकते हो. 40 साल से उन्होंने कॉरपोरेट्स में एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग दी, इंक्लूडिंग फॉर्च्यून 500 कंपनी एग्जीक्यूटिव्स. मतलब उनके सामने जो सभाजन बैठते हैं, वे कोई विद्यार्थी नहीं है, वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है. सामने बैठे वाले होते हैं 25 करोड़, 50 करोड़, 100, 200, 500 करोड़, 5000, 25000, 50000 करोड़ का व्यवसाय करते हैं, व्यवस्था में जुटे हुए हैं. इस प्रकार के लोग विद्यार्थी के स्वरूप में उनके सामने बैठ जाते हैं जब जिम कॉलिंस बोलते हैं. ज्यादा तो चार्ज नहीं करते, सिर्फ एक घंटे बोलने का $1,00,000 चार्ज करते हैं. ये तो मैंने इसलिए इनके भाव आपको बताया कि अगली बार जीटो के नेक्स्ट सेशन में अगर आपको उनको बुलाना है तो. हम तो कुछ चार्ज नहीं लेते, हम तो सिर्फ सेवा में लोगों के साथ, लोगों के भीतर ही रहते हैं. यहां भी हम आए, एफओसी आए, am I right or wrong? व्यवस्था को पूछ लेना चाहिए. I don't charge anything. I've been talking since 25 years. It's absolutely free. एक समाज की सेवा है, निस्वार्थ भाव से. हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और हमारे प्रकट गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज की आज्ञा से कि सुविचार देना, सुप्रवृत्ति के लिए प्रेरणा देना. जिम कॉलेज इन लोगों को जब ट्रेनिंग देते हैं तो सामने जो लोग बैठे हैं उनको मैनेजमेंट नहीं सिखाना है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखाना है, उनको कोई कनेक्टिविटी या सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सिखाना है, उनको एचआर नहीं सिखाना है. तो सिखाना क्या है? जिम कॉलिंस से ही बात करते हैं. विचार ऊंचे रखना, स्पष्ट रखना, पवित्र रखना, और पवित्र कार्यवाही अपने जीवन में करना. बाकी सफलता तो ऐसे ही आपके गुलाम बन के आपके पास आ जाएगी. यही बात जिम कॉलिंस करते हैं. उन्होंने जो पुस्तक लिखा है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स यहां बैठे हैं,
उनको जरूर यह पुस्तक पढ़ना चाहिए, उनके जीवन का यह अनुभव उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। उन्होंने लिखा है, यह पुस्तक का नाम है हाउ द माइटी फॉल। जो बड़े बड़े महारथी थे वे क्यों पृथ्वी पे गिर पड़े। ऐसे ऐसे महारथी उन्होंने देखे जो महारथी इफ ही स्नीजिंग वॉल स्ट्रीट कैचेस फीवर। एक फोन उठा के मैनहट्टन में न्यूयॉर्क में 50 मजले पे वे बैठे और फोन उठा के फोन करते ही कैन टॉपल अ गवर्नमेंट इन अफ्रीका। ऐसे महारथी उन्होंने देखे हैं। ऐसे महारथी के साथ वे रहे हैं कि वे पृथ्वी पे पैर रखे एंड द अर्थ शिवर्स। ऐसे महारथी पृथ्वी पे बेकार हो गए या कोई जेल में गए या कोई बैंकरप्ट हो गए, क्या वजह थी? आफ्टर अ डिटेल्ड स्टडी ही कम्स टू अ कंक्लूजन दैट दिस पीपल, ये 300 पेज का पुस्तक है, एक वाक्य में उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे हम ये समारंभ कर रहे हैं तो ट्रेड किस प्रकार और किस भावना से करना चाहिए वो आपको मैं बताता हूं। जिम कॉलिंस ने लिखा एक सेंटेंस उसमें लिखा है विच इज द एसेंस ऑफ दिस 300 पेज बुक, और वो एसेंस उन्होंने एक शब्द में एक वाक्य में लिखा है, इनडिसिप्लिन परस्यूट फॉर मोर। मतलब ज्यादा 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 अपना करने के लिए, फिर वो पैसा हो, फिर वो धंधा हो, संबंध हो, ज्यादा कमाने के लिए, ज्यादा कमाने के लिए इन लोगों ने नीति नियम और सिद्धांत को छोड़ दिए। नीति नियम और सिद्धांत को छोड़ के आप प्रवृत्ति करेंगे या कोई भी काम व्यवसाय करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर प्रश्न आ सकते हैं।